हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर एब्सोल्युटली डूइंग वेल। एंड वन प्लस ने अपने 12 सीरीज को लॉन्च कर दिया है इंडिया में, जो कि 23 जनवरी से आपको मिलने भी लगेगा अमेज़न पे। तो क्या कुछ लगा मुझे अच्छा इस 12 सीरीज में, उसी बारे में आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में। तो ये वीडियो एक ओपिनियन वीडियो है वन प्लस 12 के ऊपर। तो मेरा नाम है आकाश और आप देख रहे हैं टेक्निकल रेंज। तो टाइम वेस्ट न करके शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करना चाहता हूँ इसके डिजाइन एंड बिल्ड क्वालिटी के बारे में। यहाँ पे आपको मिल रहा है एल्युमिनियम का फ्रेम और उसके साथ बैक साइड पे ग्लास मिल रहा है, जिसपे आपको गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन मिल रहा है। और फ्रंट की तरफ वन प्लस 11 के जैसा एक कर्व डिस्प्ले दिया है, जो कि देखने में बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लगता है। और उसपे आपको गोरिल्ला ग्लास विक्टस 2 का प्रोटेक्शन मिलने वाला है, जो कि बहुत ही ज्यादा अच्छा चीज है और फोन को बहुत ही ज्यादा ड्यूरेबल बना देता है। उतनी आसानी से ये डिस्प्ले टूटने वाला नहीं है। और यहाँ पे डिजाइन बिल्कुल सेम है वन प्लस 11 के जैसा, जैसा वन प्लस 11 आपको मिल रहा था, एग्जैक्टली वही डिजाइन आपको यहाँ पे मिल रहा है। और उसी के साथ इस डिस्प्ले पे आपको मिलता है LTPO टेक्नोलॉजी, जिसकी वजह से इसका जो रिफ्रेश रेट है वो लोएस्ट जाता है 1 Hz तक और मैक्सिमम जाता है 120 Hz तक। और उसी के साथ यहाँ पे जो टिपिकल ब्राइटनेस है वो मिलता है 1600 nits का, बट अकॉर्डिंग टू कंपनी 4500 nits का आपको पीक ब्राइटनेस मिलने वाला है यहाँ पे, जो कि बिल्कुल गिमिक है। इस पे ध्यान मत दो, ये सिर्फ एक मार्केटिंग टर्म है और कुछ नहीं, क्योंकि HDR कंटेंट व्यू करते वक्त आपको 45000 nits अचीव हो सकता है, और वो भी पूरा डिस्प्ले 4500 nits को टच नहीं करेगा। डिस्प्ले पे सिर्फ कुछ ही पार्ट्स होंगे जहाँ पे 4500 nits जाने का पॉसिबिलिटी है, लाइक अगर आप कोई मूवी देख रहे हो वहाँ पे कोई ब्राइट पार्ट है बहुत ही ज्यादा, लाइक सन या फिर कोई गाड़ी का हेडलाइट, तब 4500 nits तक जा सकता है। पर ये भी श्योरिटी नहीं है कि 4500 nits ये टच करेगा। गजब टू भी आ जाती है। तो ये पूरा ये गिमिक है, ये मार्केटिंग टर्म है और कुछ नहीं, इस पे आप ध्यान मत देना। आप ध्यान दो नॉर्मल जो nits है उस पे। यहाँ पे आपको मिल रहा है 1600 nits का ब्राइटनेस। और उसी के साथ कैमरा पे थोड़ा बहुत अपग्रेड किया है। यहाँ पे मेन कैमरा दिया है 50 megapixel का और अल्ट्रा वाइड जो है वो 48 megapixel का, एंड एक टेलीफोटो लेंस एड कर दिया 64 megapixel का। कैमरास का मेगापिक्सल का नंबर तो बहुत ही प्रॉमिसिंग है, बट अभी ये देखना पड़ेगा कि इसको ऑप्टिमाइज कैसे करता है वन प्लस। और उसी के साथ फ्रंट पे 32 megapixel का कैमरा मिल रहा है इस फोन में। बट एक चीज जो अच्छा लगा मुझे वन प्लस के पिछले किसी भी फोन से, कि फ्रंट पे भी 4K at 30 FPS आपको सपोर्ट मिल जाएगा with EIS। तो ये एक चीज है जो बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा मुझे कैमरा के डिपार्टमेंट में। बट अभी मैं फाइनल कुछ नहीं बता सकता कैमरा के बारे में, एक बार फोन मेरे हाथ पे आ जाने दीजिए, उसके बाद मैं देख के बताऊंगा डेफिनेटली इसका कैमरा कितना अच्छा है वन प्लस 11 से। ये तो रहा कैमरा और डिस्प्ले का पार्ट, बट उसी के साथ इस कैमरा और डिस्प्ले को पावर देने के लिए जो प्रोसेसर यहाँ पे यूज किया गया है Snapdragon 8 Gen 3, जो कि नया प्रोसेसर है, पावरफुल प्रोसेसर है और 4nm का प्रोसेसर है। 8 Gen 2 ही इतना ज्यादा पावरफुल प्रोसेसर था, तो 8 Gen 3 के बारे में क्या ही बताना मुझे। इन शॉर्ट वन ऑफ द बेस्ट प्रोसेसर है एंड्रॉइड के दुनिया में। और उसी के साथ इस फोन में आपको 5400 mAh का एक बैटरी मिल जाएगा, जो कि 100W की चार्जिंग को सपोर्ट करता है। और कंपनी क्लेम करता है कि ये फोन 12 मिनट पे फुल चार्ज हो जाएगा, बट आप 20 मिनट पकड़ के चलना, इस फोन को फुल चार्ज होने में आराम से हो जाएगा। 20 मिनट के अंदर आराम से फुल चार्ज हो जाएगा 0 to 100%। और क्योंकि ये फोन एक फ्लैगशिप फोन है, इस फोन का जो प्राइसिंग होने वाला है वो अबव 60,000 होने वाला है, तो ये फोन एक फ्लैगशिप फोन है। और उसी के साथ इस पे जो जो चीज मिल रहा है एक्स्ट्रा, वो सब फ्लैगशिप चीजें मिल रहे हैं, जैसे कि IP रेटिंग आपको यहाँ पे मिलता है, वायरलेस चार्जिंग भी आपको यहाँ पे मिलता है 50 वाट का, और उसके साथ रिवर्स वायरलेस चार्जिंग भी आपको मिलता है 10 वाट का। तो यहाँ पे हर एक चीज दिया हुआ है जो एक फ्लैगशिप फोन में होना चाहिए। तो मेरे ख्याल से ये फोन तो बहुत ही ज्यादा प्रॉमिसिंग लग रहा है देखने में, चाहे इसका कैमरा हो, परफॉर्मेंस हो, या फिर बैटरी लाइफ हो, या फिर चार्जिंग हो, या फिर डिस्प्ले हो, हर एक चीज में ये फोन बहुत ही ज्यादा प्रॉमिसिंग लग रहा है देखने में। बट फाइनल तो तब पता चलेगा जब ये फोन हाथ में आएगा तब, तो उसके लिए आप जरूर से वेट करना। तो गाइस यही तक था आज का वीडियो। आपको कैसा लगा ये फोन और आपको क्या अच्छा लगा इस फोन के बारे में, आप जरूर से कमेंट सेक्शन में मुझे बताना। मैं भी जानना चाहता हूँ आपका ओपिनियन क्या है इस फोन के मामले में। और यही तक था आज का वीडियो, देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू सभी को। और जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना। और ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नहीं जुड़ रहा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।